नहीं, उठा हो गया। कजन के लिए मैक्रोनी, अपने लिए बिरयानी। कजन, अस्सलाम वालेकुम। फिर सुबह हो गई है, अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी नाश्ता आया, नाश्ता करने लगी हूँ। नान नहीं, पूरी और चने आए हैं, तो मैं नाश्ता करने के बाद आपसे फिर बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरज भी देखा है मैंने। वैसे तो मैं इस वक्त अक्सर नमाज के बाद सो जाती हूँ। कितनी प्यारी सुबह लग रही है, चिड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है। ये आयशा और अहमद बैठे हुए हैं। अहमद सुबह सुबह मान लिए चाय लेके आया है ना अहमद? देखो अब मेरे व्लॉग में भी आओगे। अहमद भी इन फ्यूचर व्लॉगर बनना चाहता है और अपना शूट करेगा, और ये हमारा फ्यूचर का व्लॉगर है। क्यों अहमद? हाँ जी, अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन पर, सोच रही हूँ कुछ कज़न के लिए भी लूँगी, थोड़ा बहुत खाने के लिए अपने लिए भी लूँगी। किस तरह पकौड़े? 150। और चाट किस तरह? समोसा चाट 130 है। ऐसा कोई पकौड़े ही दे दो। पकौड़े ले लिए थे मैंने, और ये हॉस्पिटल के ग्राउंड की है। देखें कितना बड़ा हॉस्पिटल है, ये इसका ग्राउंड है सारा। अच्छा, वाकेंड में दो हॉस्पिटल हैं जो बड़े हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो एक है PUF और एक है जनरल हॉस्पिटल। जो PUF है उसमें बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन ये जो फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं उनके लिए। लेकिन जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी ना होने के बराबर फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। अब जैसे मेरे बेटे को मसला है, नेहरू का मसला है, उसको फिट्स पड़ते हैं, तो अगर अल्लाह ना करे उसको लेके जाना पड़ जाए तो वहाँ से वो होली फैमिली रेफ़र कर देते हैं। इसी तरह ना ऑपरेशन की वहाँ सहूलियात हैं, तो उस लिहाज से वाकई इन चीज़ों से जो फिर प्राइवेट जाना पड़ता है। और आपको पता है आज के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कितनी फ़ीस है, और अगर टेस्ट वगैरह करवा लो तो फिर कहाँ पहुँचता है, तो बहुत टफ हो जाता है वाकई में किसी का भी इलाज करवाना। आप नॉर्मल भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपका 5,000-6,000 तो आराम से लगता ही लगता है। तो मैं पहले मुजफ़्फ़राबाद में थी। मुजफ़्फ़राबाद में दो हॉस्पिटल, CMH एक एम्स है अम्बोर में। तो वहाँ पर हम कभी ये चीज़ फेस नहीं, आराम से जाके अगर आप प्राइवेट नहीं भी फीस भर सकते हैं, सरकारी भी वहाँ अच्छा इलाज होता था, तो वहाँ पर चेक करवा लेते। तो जब से हम वाकेंड आए हैं तो ये चीज़ मुझे बहुत है कि वाकेंड के अंदर कोई भी अच्छा हॉस्पिटल उस तरह सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वो सारे प्राइवेट हैं, और तब तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के काम बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि सरकारी है नहीं, जो है उसमें ना होने के बराबर चीज़ें। तो करना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को भी अच्छा करना चाहिए। जैसे कोई गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है वाकेंड के अंदर। ये आ गया जी हमारा खाना आज का हॉस्पिटल की तरफ से। दो रोटियां थी ये हमने खा ली आधी, और दो मिक्की मुकुसी बोटियां थी, जो हड्डियां ज़्यादा बोटियां कम थी। चलें, फिर भी अल्लाह का शुक्र है खाना तो था। अब जो बच गया उसको मैं ये ढक दूँगी, रोटी को इस डब्बे में डाल के सालन को ढक दूँगी, चूँकि हम सब इतना ही खाएगा। और हाँ सच्ची, एक केला भी था, एक केला भी था। लगता है सारा व्लॉग आज खाने पीने में ही निकल जाएगा। और तो आज को हॉस्पिटल में मुझे कोई काम है नहीं है, तो मैं लेके आई हूँ मैक्रोनी और अपने कज़न के लिए बिरयानी। ओ नहीं नहीं, उल्टा हो गया। कज़न के लिए मैक्रोनी, अपने लिए बिरयानी। कज़न मेरी का नाम है ज़ायदा, तो वो इतनी बिरयानी। हाँ जी, फिर मैं आ गई हूँ अपने घर हॉस्पिटल से वापस। अभी देखते हैं अब्दुल समद किधर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, सलाम करते होते हैं ना? सदाशिकाम। क्या लाई है मामा किसी के लिए? जूस और ये किसी के लिए जूस आया है? जूस के साथ ये चीटोस कौन खाएगा?
कैसा है मेरा बेटा अब्दुल समद? ठीक हो? सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। पूछो कैसे हो आप सब? कैसे हो सर? बोलो मेरे लिए दुआ करो। मेरी लिए दुआ करो। मैं चल सकूं? चल सकूं। आ गई हूँ घर। घर आते ही अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय बना रही हूँ और किचन की भी हालत पूरी है। चाय बना के फिर किचन सेट करूँगी। इफ्रा मैडम ने तो कोई काम नहीं किया, अब मुझे किचन सेट करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा किचन अब साफ कर दिया। किचन गंदा हो तो सुकून नहीं आता, इसलिए मैंने पहले किचन साफ किया। तो ये अब्दुल समद का गाना, माशाल्लाह इसको सूरतें भी आती हैं और ये चीज़ें, जो चीज़ ये मोबाइल में सुनता है, सूरतें वगैरह तो मैंने सिखाई हैं पर गाने मैंने नहीं सिखाए। जो गाने ये मोबाइल पे जो चीज़ सुनता है तो वो इसको आ जाते हैं। तो आज जैसे आपने देखा मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजरा, इतना ख़ास मैंने कोई शूट नहीं किया। आपको अच्छी लगती तो अगर इस बहन की वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।